विद्या की प्राप्ति। प्राचीन काल में तपोदत्त नाम का एक बालक था। वह बहुत आलसी था तथा उसका मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगता था। वह विद्यालय न जाकर खेल खलिहानों में घूमा करता था। उसके पिता उसे डांटते फटकारते थे, परंतु उस पर कोई असर नहीं पड़ता था। पुत्र, तू विद्यालय क्यों नहीं जाता? दिन भर घूमा फिरा करता है। अनपढ़ व्यक्ति का जीवन भी कोई जीवन होता है? इन्हें क्या पता, खेल खलिहानों में घूमना कितना आनंददायक होता है। जाने क्यों पीछे पड़े रहते हैं। मित्र तपोदत्त, क्या विद्यालय नहीं चलोगे? मुझे नहीं जाना विद्यालय। तुम लोग ही जाओ गुरुजी के बेत खाने। मैं तो चला जंगल में मजे लेने। बड़े हो जाने पर रास्ते पर, अरे वो देखो तपोदत्त। अरे छोड़ो उसे, वह तो निरा अनपढ़ और बुद्धू है। अरे उससे क्या मिले, वह किस काम का। काश मैंने पिताजी की बातें मान ली होती। घर आने पर परिवार के सदस्यों के बीच इसके आने जाने से क्या फर्क पड़ता है, यह तो निरा अनपढ़ और बुद्धू है। लो आ गया, मुझे मेरे कर्मों का ही फल मिल रहा है। नदी के किनारे बैठा तपोदत्त, मैं भी विद्या प्राप्त करूंगा, अनपढ़ नहीं रहूंगा। मैंने जो भूल की है उसे सुधारूंगा। इस युवक को सही शिक्षा की राह दिखाना आवश्यक है, कुछ करना पड़ेगा। महात्मा ने विचार करके श्रमिक का वेश धारण किया और एक टोकरी से बार बार बालू भरकर नदी में डालने लगे। महात्मा के बार बार ऐसा करने पर तपोदत्त ने श्रमी कवेशी महात्मा से पूछ ही लिया, आप लगातार नदी के जल में बालू क्यों डाल रहे हैं? मैं नदी में बांध बनाना चाहता हूँ। अरे बालू से कहीं बहती नदी पर बांध बन सकता है? क्या बिना विद्यालय गए और बिना गुरु से पढ़े विद्या प्राप्त की जा सकती है? तपोदत्त को सारी बात समझ में आ गई। उसने विद्यालय जाना और गुरुजन से शिक्षा प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया। मैं वास्तव में कितना गलत था विद्यालय आने जाने और गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त करने में कितना आनंद आता है।